नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डर। आई एम योर एडुकेटर रितिका। सो गाइस, टुडे विल टॉक अबाउट अ नोटिफिकेशन ऑफ पीएचडी व्हिच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा। अगर आप लोगों को व्यूवर्स में से किसी को भी पीएचडी में इंटरेस्ट है या रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में है, उन्होंने एक पीएचडी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो आप यहां से पीएचडी कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 6 अक्टूबर 2021 में, और ये एसएसजे यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ हुआ गया है। और इसमें बताया है कि शैक्षिक सत्र 2021-2022 जो प्री पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं, मतलब इस साल ये एंट्रेंस होने वाला है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो एंट्रेंस का डेट है वो 14/11/2021, यानी कि आपका जो एंट्रेंस होगा वो 14 नवंबर 2021 को होगा। और यहाँ पर जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट दैट इज़ www.ssju.ac.in में उपलब्ध ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से दिनांक 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 2085 का भुगतान कर प्रवेश परीक्षा में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि इसका लास्ट डेट है 26 अक्टूबर। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे 26 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क पहले था दैट वाज 2085, अब यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था कि अब जो इसका शुल्क है वो घटाकर 2085 से 1585 कर दिया गया है। तो आप ये भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि अब जो शुल्क है वो भी घटा दिया गया है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया दिया था कि शुल्क को घटा दिया गया है, तो 18 अक्टूबर को एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था एसएसजे के द्वारा, और उसमें ये बताया गया था कि जो प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा का शुल्क जो पूर्व निर्धारित किया था दैट वाज 2085, अब इसके स्थान पर 1585 कर दिया गया है। तो फीस में, रजिस्ट्रेशन फ़ी में डिडक्शन भी हो गया है। तो इस चीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि कोविड-19 के दूसरी लहर के चलते ऐसा किया गया है हमारी सरकार के द्वारा। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको और क्लियर कर दूँ कि पहले कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का पार्ट था एसएसजे कैंपस, एसएसजे कैंपस वाज अ पार्ट ऑफ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, बट इस साल से कुमाऊँ यूनिवर्सिटी और एसएसजे यूनिवर्सिटी अलग अलग हो गए हैं। और एसएसजे यूनिवर्सिटी जो शोभन सिंह जीना जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, इसके अंदर 3 कैंपस आते हैं। एक कैंपस अल्मोड़ा का ही है एसएसजे कैंपस, दूसरा कैंपस इसका आता है पिथौरागढ़ कैंपस, और तीसरा कैंपस इसका पंडित बद्रीदत्त पांडे आता है जो कि बागेश्वर का कैंपस है। तो इसके 3 कैंपस इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, एक शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का ब्राउशर आपके सामने है, और इस ब्राउशर में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि क्या क्या एडमिशन का क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से हम एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। अब इसमें कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं? ऐसे बच्चे जिन्होंने मास्टर्स डिग्री या तो एसएसजेयू से किया है या किसी भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से किया गया है जो कि यूजीसी अप्रूव्ड हो। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में, और 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, फ्रॉम 55 to 50% और एन इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड शैल बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू ST, ST या OBC या डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी मेंशन की गई है कि वो कैंडिडेट्स भी इस प्रोग्राम को फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने UGC नेट क्वालिफाई किया है, UGC CSIR नेट किया गया है, एंड जो टीचर्स हैं टीचर्स भी इस प्रोग्राम को फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मेंशन की गई है, द कैंडिडेट शैल बी सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। किस तरीके से सिलेक्शन होगा? RDET के थ्रू, विच इज़ द रिसर्च एंट्रेंस
टेस्ट ऑफ SSJU. SSJU अपना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराएगा. और RDET के ऊपर गाइज मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिया था, और अगर आप लोगों को उसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसके बारे में डिटेल में जानिए. वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या सिलेबस है और हमें क्या यहाँ पर पढ़ना चाहिए. दूसरी चीज़, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं विदाउट अपियरिंग इन RDET, तो ये टीचर कैंडिडेट के लिए है. हु इज़ अ रेगुलरली अपॉइंटेड परमानेंट टीचिंग फैकल्टी हैविंग सर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम ऑफ 1 year इन द SSJ यूनिवर्सिटी. SSJ में 1 साल तक उन्होंने काम किया होना चाहिए, और द कॉलेज इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी एंड सब्जेक्ट टू द रेलिवेंट एप्लीकेबल रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टेट या गवर्नमेंट. अब जो एडमिशन की लिस्ट बनेगी, द एडमिशन मेरिट विल बी इन ऑर्डर ऑफ द JRF, RDET एंड टीचर कैंडिडेट. However, द सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ 70% टू द एंट्रेंस टेस्ट, UGC JRF, UGC CSIR और 30% परफॉर्मेंस. मतलब आपका ये होगा कि जो आपका RDET का एग्ज़ाम होगा उसका 70% का वेटेज, या अगर आप JRF क्वालिफाइड हैं उसका भी 70% वेटेज आएगा, और 30% वेटेज आएगा जो इंटरव्यू होगा उसका. इंटरव्यू का 30% वेटेज यहाँ पे इंक्लूड होगा. अब यहाँ पे लिखा है थ्रू द प्रोसीजर फॉर एडमिशन थ्रू रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट. सो थ्रू रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट नॉलेज, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है. ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स यहाँ पे दिया जाएगा. 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, और ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है, जनरल वालों को 100 में से 50% नंबर चाहिए ही चाहिए. अगर आप जनरल में हैं तो आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए. OBC वालों को 45%, SC ST या डिसेबल्ड पर्सन्स को 40% मार्क्स चाहिए. डायरेक्ट एडमिशन विदाउट अपियरिंग इन RDET, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको RDET नहीं देना है और डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कि आपका UGC या CSIR JRF होना चाहिए, या कोई नेशनल लेवल टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, लाइक ICAR, ICMR, ये सब क्लियर होने चाहिए. बट आपका इंटरव्यू होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें. आप एक्सटेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे, बट आपका इंटरव्यू होगा. और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट अ सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट फॉर UGC या CSIR JRF या इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट फॉर द एडमिशन. यूनिवर्सिटी एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट भी इनके लिए करा सकती है, यूनिवर्सिटी के पास पूरी राइट है कराने का. उसके बाद ये सारी डिटेल्स और भी दी हुई हैं यहाँ पे. उसके बाद जब आपका PhD में सिलेक्शन हो जाएगा, आपने RDET का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा. इंटरव्यू होने के बाद आप सेलेक्ट हो जाएंगे PhD कोर्स वर्क के लिए. और PhD कोर्स वर्क के लिए सेलेक्ट होने के बाद फिर आपका सिनॉप्सिस वगैरह का प्रोसीजर रहेगा, जो प्रोसीजर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ PhD कोर्स वर्क, जो कि यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप ये चेक कर लीजिएगा. अब यहाँ पे बात आती है कि क्या क्या वैकेट सीट्स कौन कौन सी हैं. तो यहाँ पे वैकेट सीट्स आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए 15, हिंदी के लिए 26 हैं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के लिए 11, जंतु विज्ञान के लिए 13. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बताई गई हैं, क्या क्या है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट है कि एंट्रेंस एग्जाम्स की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, दैट इज़ 26. एंट्रेंस टेस्ट की फ़ी जो कि 2085 थी पहले, अब 1585 है. एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे बताई गई है 14 नवंबर को. एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या है, 11 से 2 रहने वाला है. और सेंटर क्या होगा, सेंटर यहाँ पे एक तो अल्मोड़ा है, शोभन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा, और दूसरा LSMPG कॉलेज पिथौरागढ़. उसके बाद प्रवेश में यहाँ पे आरक्षण की कुछ बातें दी गई हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या आरक्षण के लिए बातें दी गई हैं. जैसे उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था किया है. महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण है, दिव्यांगों के लिए 4% का, और यहाँ पर अलग अलग तरीके आरक्षण कैटेगरीज दी हैं. तो गाइज ये पूरी डिटेल थी आपका PhD प्रोग्राम के लिए. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए. थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है. अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं.
जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।